टीम इंडिया कैंप से हमें बड़ी खबर ये मिल रही है कि स्टार बैट्समैन शुभमन गिल भी फ्लाई टू अहमदाबाद वो अहमदाबाद जाएंगे ऑफ द क्रूशल मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जो कि इस वीकेंड होगा चौदह तारीख को अहमदाबाद में आपको मालूम होगा शुभमन गिल इज रिकवरिंग फ्रॉम डेंगू उनको ओवरनाइट हॉस्पिटल में रखा गया था चेन्नई में लेकिन अब खबर हमें यह मिल रही है कि उनको अहमदाबाद भेजा जाएगा जहां पे बीसीसीआई डॉक्टर्स विल कंटिन्यू टू मॉनिटर इज हेल्थ एंड टीम इंडिया इज होपिंग दैट गिल विल रिकवर सोन एंड ज्वाइन कप कपॉर्ड सो टीम उनको तर देना चाहती है कि वो रिकवर कर लें और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के स्कोर्ड को ज्वाइन करें और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में उनका योगदान हो और लेकिन अहम बात यह है कि उनको अहमदाबाद ही क्यों भेजा जा रहा है उनको दिल्ली मुंबई पुणे और कहीं क्यों नहीं भेज रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि टीम इंडिया चाहती है कि अगर वो फिट हो जाए तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस खेल पाए बिल्कुल ऐसा ओपनर 66 का जिसका एवरेज हो तो टीम इंडिया तो जरूर चाहेगी कि वो वर्ल्ड कप में जरूर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में खेलें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और वनडे जो सीरीज खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें शुभमन गिल ने 104 रन बनाए थे सिर्फ 97 बॉल्स में तो साफ इंडिकेशन है कि चाहे वो एशिया कप हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुभमन गिल जो है वो एकदम रेडी है और पहले मैच में हमने ये था इशान, इशान देखा था कि ईशान किशन वॉलिंग एबल टू टेक चांस तो अगर शुभमन गिल रिकवर करते हैं तो सीधे टीम में ही विल वॉक इन टू प्लेइंग इलेवन हमें इनफैक्ट एक रिएक्शन uh, आ रहा है फ्रॉम टीम इंडिया बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने ये रिएक्शन दिया है uh, दिल्ली में जो अफगानिस्तान मैच है उसके पहले उन्होंने ये कहा है एंड आई एम रीडिंग आउट हिस्स कोट ही इज रिकवरिंग वेल ही वॉज हॉस्पिटलाइज ये बट दैट वॉज मोर एज अ प्रिकॉशन ही इज बैक इन द होटल ही इज रिकवरिंग वेल वो कंटिन्यू करते हैं दैट वी ओप that he will recover.

इंडिया uh, ने अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया है अफगानिस्तान के साथ दिल्ली में मैच है लेकिन पाकिस्तान के साथ बड़ा मुकाबला है इस वीकेंड उसके बाद uh, टीम इंडिया के बचते हैं छः और मैच आफ्टर पाकिस्तान हम खेलेंगे बांग्लादेश न्यूजीलैंड इंग्लैंड श्रीलंका साउथ अफ्रीका और नदरलैंड के साथ तो बहुत लंबा टूर्नामेंट है उसके बाद होगा सेमीफाइनल और फाइनल तो अभी एक महीने से ऊपर है सो इज इनफ टाइट फॉर शुभमन गिल टू रिकवर एंड ज्वाइन द स्क्वाड सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जो बल्कि इंडिया के हैं वो लेटर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट होंगे

seeking or discussing replacements at this stage, the management considers Shubman Gill a vital cog in the team, and Gill is already showing positive signs and likely to make a return soon. BCCI का एक कोर्ट आया है, BCCI का ऑफिशियल मेक क्योंकि आ, कुछ घंटे पहले बहुत खबर आई थी मीडिया में, दर BCCI is considering replacements, वो Shubman Gill को replace कर देंगे squad में, Shubman Gill का पूरे team से बाहरी हो जाएंगे, but लगता है कहीं ये खबर गलत है। बिल्कुल मुझे लगता है कि खबर बिल्कुल ही गलत है देखिए चैंपियन खिलाड़ी की अगर बात करी जाए जिस तरीके से हमने ये डिस्कस किया था कि सचिन से विराट के पास जो है वो एक पावर गई थी और अब जो पावर है वो विराट से कहीं ना कहीं सुमन गिल के पास जा चुकी है और अगर बी -सी सी की बात करी जाए तो देखिए वो चाहते तो शिखर धवन को भी इस मैच में खिला सकते थे वर्ल्ड कप में ऐड कर सकते थे लेकिन वो आगे देख रहे हैं तो गिल की प्रेजेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट शिखर धवन ने भी कहा है कि यस गिल शुड गिवन अ चांस टू रिकवर अब हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी देखा है कि लोगों को निगल्स हो जाती हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं कि जिसको निगल हो गया उसको एकदम टीम के बाहर करो दूसरे प्लेयर ऑफलाइन करो टीम को ज्वाइन करने के लिए बहुत रीजन्स होते हैं तो तीन ऐसे रीज़न क्या हैं जिसने टीम इंडिया मैनेजमेंट मतलब कैप्टन कोच एंड सपोर्ट स्टाफ सब चाहते हैं कि शुभमन गिल रिकवर करे और बी सी सी ऑफिशियली यही चाहते हैं कि शुभमन गिल रिकवर करके टीम को ज्वाइन करे इतना बड़ा रिस्क आप एक प्लेयर के ऊपर क्यों ले रहे हैं तो ऐसे तीन रीज़न हैं पहला ये कि बहुत मैचेस है आप हाँ, हम हाँ बात कर चुके हैं एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है तो देर आर इनफ मैचेस फॉर शुभमन गिल टू तो रिकवर एंड जॉइन द टीम सेकंड शुभमन गिल इज़ एन इस्टाब्लिश्ड ओपनर टीम इंडिया में एक ओपनर की कमी है एक जरूरत महसूस हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्पेशली टॉक तो ऑडरथ तो जो गोलैप्स हुआ था एक इस्टलिश्ड प्लेयर की कमी है टीम में एंड शुभमन गिल इज़ दैट प्लेयर जिसको टीम में होना चाहिए और तीसरी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू चेंज द टीम कॉम्बिनेशन बहुत सोचने के बाद बहुत मीटिंग्स डिस्कशंस के बाद एक स्कोर तैयार होता है टूर्नामेंट चालू होने के बाद उस स्क्वाड को पे फेर करना इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द टीम एंड बिल्कुल अगर देखिए शुभन गिल की को लेकर जो है वो हम बार बार बात क्यों कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ओपनर जो है वो चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो सारी टीम्स के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और एक स्टेडी परफॉर्मेंस रही है और ओपनर के तौर पर देखें तो कोई और ऐसा ओपनर नजर भी नहीं आता है टीम इंडिया में जो कंटिन्यूसली लंबे समय तक खेल सके और जिसमें फ्यूचर जो है वो टीम इंडिया को दिखाई दे क्योंकि अगले साल फिर हम लोग टी वर्ल्ड कप खेलेंगे तो मुझे लग रहा है कि गिल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उस चेंज ऑफ गार्ड की बात कही थी जो एकदम सही 2011 में ऐसा लगा था सचिन से विराट को आ, पासिंग ऑफ बोलते हैं कि इस में गिल के बहुत हैं। just, uh, team, well. गिल, uh, में भी है तो इट ऑल पॉइंट शुभमन गिल रिटर्निंग टू द्लेंग इलेवन एज सुन एज ही वो बाहर है ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेले अफगानिस्तान भी नहीं खेलेंगे अब देखना बाकी है कि पाकिस्तान खेलते हैं कि नहीं लेकिन अगर वो तो नहीं खेले तो एक

प्लेयर्स रिप्लेस शुभमन गिल इन द स्क्वाड स्पे नजर डालते हैं ऑप्शन नंबर वन है यशस्वी जयसवाल इनको क्यों कंसिडर कर रहे देखिए यशस्वी जायसवाल की अगर बात करी जाए तो हालिया एशियन गेम्स है गेम जहाँ पर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था वहाँ पर उन्होंने सेंचुरी लगाई थी हंड्रेड आउट जो है वो रन बनाए थे और उससे पहले अगर हम इंडियन प्रीमियर लीग के उनके स्टैट्स पर ध्यान दें तो सैंतीस मैच खेले हैं ग्यारह सौ रन हैं और इसमें स्ट्राइक रेट पर अगर आप नजर डालेंगे तो वन जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है का प्लेयर है हाँ एवरेज की अगर बात करी जाए तो थर्टी का है और बेस्ट उनका वन है तो ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि टी के अच्छे खासे प्लेयर हैं और आप अगर उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड

बिल्कुल ऋतुराज गायकवाड गोल्ड जिताया और और जो है वो लगातार पिछले साल भी ये बात चल रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी छोड़ते हैं तो किसे दी जाएगी तो उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आ रहा था क्यों आ रहा था जरा इस पर बात कर लेते हैं आईपीएल पी रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो बावन मैच खेले हैं वन सेवन, सेवन, रन बनाए हैं एक का स्ट्राइक रेट है एवरेज उनतालीस का है और बेस्ट यहां पर भी उन्होंने सेंचुरी लगाई है और एक सेंचुरी और चौदह जो है वो हाफ सेंचुरी है टी इंटरनेशनल की तरफ अगर नजर डालें 14 मैचों में 277 रन है 127 का स्ट्राइक रेट है 27 का एवरेज है 58 बेस्ट है सेंचुरी नहीं आई है लेकिन दो जो है वो हाफ सेंचुरी हैं यानी कि ये भी कहीं ना कहीं खेल सकते हैं हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग भी कर चुके हैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल चुके हैं तो जहां आप खिलाना चाहते हैं वहां वो खेल जाएंगे देखिए चाहे यशस्वी जायसवाल को एक मौका मिले चाहे ऋतुराज टाइकवाड़ को मौका मिले अगर डॉक्टर बोलते हैं कि शुभमन गिल को रिप्लेस करना ही पड़ेगा इनमें से जिनको भी मौका मिले वी विश दम द बेस्ट ऑफ लक बट बड़ी खबर यही है हमें टीम इंडिया कैंप से मिली है इंडिया के बैटिंग कोच ने बोला है कि टीम इंडिया चाहती है कि शुभमन गिल इज फिट वो उनको टाइम देना चाहते हैं कि वो रिकवर करें बड़ा मैच इस वीकेंड होगा अगेंस्ट पाकिस्तान रिमेंबर इंडिया ने पाकिस्तान को सात बार पीटा है वर्ल्ड कप में एक भी बार हम पाकिस्तान से मैच नहीं आ रहे हैं सेवन नैल रिकॉर्ड है और टीम इंडिया यही चाहेगी कि उसको एट नैल करें और शुभमन गिल का जो दबदबा है ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको रिप्लेस करना इन यंगस्टर्स के लिए थोड़ा तो मुश्किल होगा बिल्कुल मुश्किल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और उसकी वजह यह भी है कि हम यशस्वी जयसवाई की बात कर रहे थे अभी वो भी लेफ्ट ही हैं तो उनको अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर मौका मिलता है ईशान किशन के तौर पर हम देख सकते हैं कि उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है लेकिन शुभमन गिल को कोई रिप्लेस कर सकता है और जिस तरीके का हमने हमने ये भी बात करी कि छियासठ का एवरेज है छः सेंचुरीज हैं और इस साल की अगर बात करी जाए तो एक से ज़्यादा रन है और ये रन और ज़्यादा हो सकते थे बट अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि गिल कितना टाइम लेंगे रिकवर करने में और एट्टी तक आ जा रहा है कि वो रिकवर कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि ट्वेंटी करने में ज़्यादा टाइम ज्यादाबाद नहीं भेजे जा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे तो यही लगता है कि टीम इंडिया इस कि फिट हो जाए और थोड़ा भी चांस हुआ तो पाकिस्तान बॉलर्स को फेस कर पाए इंडिया को एट मेन लीड अगेंस्ट पाकिस्तान देने के लिए थैंक्स फॉर मच